दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेम गेस 360 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइजन की नई थर्ड जनरेशन के बेंचमार्क्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, जैसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से सीपीयू का मुकाबला किस सीपीयू के साथ है। तो राइजन 9 3900X i9 9900K के साथ है, राइजन 7 3700X का मुकाबला i7 9700K के साथ है, राइजन 5 3600 का मुकाबला 3600X का मुकाबला i7 9700K या फिर i5 9600K के साथ है। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मैं नाम लूंगा राइजन 9 राइजन 7 i9 i7, उससे आगे का मैं पूरा मॉडल का नाम नहीं लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मल्टी कोर में क्या हाल है। तो मल्टी कोर में राइजन 9 और राइजन 7 दोनों ने ही, ये हम कह सकते हैं कि i9 तक को हरा दिया है। कैसे हरा दिया है? तो राइजन 9 ने तो बिल्कुल ही हरा दिया है, बहुत ज्यादा स्कोर के साथ बीट कर दिया मल्टी कोर में सिनेबेंच में। वहीं पे जो राइजन 7 है उसने बिल्कुल हेड टू हेड मुकाबला कराया i9 के साथ। तो यहाँ पे जो मल्टी कोर की बात आती है तो AMD पहले भी राजा था और अब भी राजा है। वहीं पे बात करते हैं सिंगल कोर में, तो सिंगल कोर में i9 राइजन 9 i7 राइजन 7 चारों के स्कोर बराबर हैं। यानी कि जो हम पहले कहते थे कि AMD सिंगल कोर पे पीछे है, अच्छा नहीं करता है, लेकिन अब सिंगल कोर में भी इंटेल का मुकाबला उसने कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम थोड़े अडोब प्रीमियर प्रो के बारे में। तो 4K वीडियो रेंडिंग के 60 FPS पे कितना टाइम लगा? तो राइजन 9 ने सबसे कम टाइम लिया, थर्ड रिपल से भी कम टाइम लिया 4K वीडियो रेंडिंग में। वहीं पे राइजन 7 ने i9 से भी कम टाइम लिया है। यानी कि हम कह सकते हैं राइजन 7 और राइजन 9 दोनों के दोनों i9 9900K से बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अब हम थोड़ा सा गेम्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहले पावर कंजम्पशन में बता दूं आपको, ये भी अच्छा टॉपिक है। राइजन 9 ने पावर कंजप्शन में, ध्यान रखिएगा, राइजन 9 ने i9 से कम पावर ली है। हम अभी तक ये देखते थे कि जो AMD के प्रोसेसर हैं वो ज़्यादा कंजप्शन करते हैं पावर का, लेकिन इस 7 नैनोमीटर के आने से हम बहुत ही ड्रामेटिक चेंज देख रहे हैं कि राइजन 9 जैसा प्रोसेसर जिसमें 12 कोर और 24 थ्रेड है, वो भी i9 से कम पावर ले रहा है, और i9 में 8 कोर 16 थ्रेड है। वहीं पे जो राइजन 7 है 3700X, वो i7 8700K से कम पावर ले रहा है। यानी कि AMD ने पावर के साथ, मतलब ये मान लीजिए परफॉर्मेंस के साथ पावर कंजप्शन का बहुत अच्छा रेशियो बैठा ला है, ठीक है दोस्तों। वहीं पे बात करते हैं अब कुछ गेम्स के बारे में। तो पहले बैटलफील्ड 5 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो हर गेम में आपको दिखेगी। यहाँ पे 1080p गेमिंग में आप ये देखेंगे कि राइजन 9 और राइजन 7 दोनों ही पीछे हैं i9 और i7 से, लेकिन वहीं पे जब बात आएगी 1440p की तो राइजन 9 और राइजन 7 बिल्कुल हेड टू हेड हो जाएंगे i7 और i9 के साथ। ये ज़्यादातर हर गेम्स में हुआ है, आप जाके सारे ग्राफ और देख सकते हैं। मैं आपको मेन पार्ट बता रहा हूँ कि जब 1080p जब फुल HD की बात आएगी तो इंटेल आगे हो जाएगा गेम्स में, लेकिन जब 1440p की बात आएगी तो इंटेल और AMD में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो कंक्लूजन क्या आता है दोस्तों? कंक्लूजन ये आता है कि अगर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो देखें यहाँ पे इंटेल और AMD में, अगर आप i9 लेते हो, ठीक है, 9900 के, तो उसमें कितने मिलते हैं आपको? पहली बात 8 कोर 16 थ्रेड। वहीं पे अगर आप राइजन 9 लेते हो तो आपको कितने मिलते हैं? 12 कोर 24 थ्रेड, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोई कूलर नहीं मिलेगा इंटेल के साथ। अगर आप इंटेल का प्रोसेसर लोगे अनलॉक प्रोसेसर, तो उसके संग आपको कोई कूलर नहीं मिलेगा, आपको 8-9 हज़ार रुपये और कूलर पे खर्च करना पड़ेगा अगर अच्छा कूलर चाहते हो, ठीक है। वहीं पे अगर आप AMD की तरफ जाते हो तो आपको RGB का प्रिज्मा कूलर उसके साथ मिलता है, ठीक है। तो ये भी प्राइस टू परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अंतर लाता है, क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे दोनों की, राइजन 9 और i9 की, तो बराबर सी ही दिखेंगी आपको। लेकिन जब आप 10,000 और एक्स्ट्रा करोगे सिर्फ एक कूलर के लिए, तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है। वहीं पे सेम ऐसा एज अ राइजन 7 के बारे में बात कर सकता हूँ। कोई सा भी आप
अनलॉक प्रोसेसर लोगे इंटेल का तो आपको नहीं मिलेगा फैन, लेकिन राइजन 7 के संग मिलेगा। ऊपर से इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही क्लोज आ गई है सिंगल कोर में। मल्टी कोर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मल्टी कोर में तो उन्होंने बहुत बुरी तरह हरा दिया इंटेल को, लेकिन सिंगल कोर में भी बात बहुत पास आ गई है, बिल्कुल ही सेम स्कोर आ रहे हैं। और अगर आप बात करते हो कि 1080p गेमिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जना 1.5 से 2 लाख का कोई पीसी बनवाता है और वो एक 1080p मॉनिटर लेगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आप हैवी गेम्स खेलते हो, मैं सीएसगो की बात यहाँ पे कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि सीएसगो तो भाई 150 200 FPS 250 FPS आराम से अचीव हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो अभी गेम्स आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया वाले, अच्छे ग्राफिक वाले, जैसे रेज 2 आया और फार क्राई 5 हुआ, हिटमैन 2 हुआ। तो ये अगर जो भी बंदे खेलना चाहते हैं वो 1440p पे खेलते हैं, एटलीस्ट 1440p मॉनिटर लेते ही हैं वो लोग, तो वहाँ पे तो बात ही कुछ अलग है। और 1080p भी, 1080p सेटिंग्स पे इनके जो स्कोरों में अंतर आ रहा है वो बस इसी वजह से आ रहा है कि अभी भी इंटेल थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा सिंगल कोर में। इस चक्कर में 1080p पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।